क्षेत्र में भारी वाहनों एवं डंपर से लगातार पिछले कुछ दिनों से आमजन दुर्घटना का हो रहे शिकार को मद्देनजर रखते हुए बुधवार को एडिशनल एसपी कार्यालय पर एडिशनल एसपी सूर्यकांत शर्मा द्वारा एक प्रेसवार्ता रखी गई। प्रेसवार्ता में बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में गुजरने वाले नेशनल हाईवे में बढ़ती सड़क दुर्घटना को देखते हुए 1 एवं 2 मार्च को विभिन्न थाना क्षेत्रों में वाहन मालिकों एवं ट्रांसपोर्टरों के साथ यातायात प्रबंधन, ड्राइवरों, क्लीनर के वाहन चलाने संबंधित नियम तथा मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधानों के अनुसार चलाए जाने हेतु मीटिंग लेकर सभी को समझाइश दी गई है। क्लोबेंजर टीवी के लिए देवास से अनिल उपाध्याय की रिपोर्ट। से एक मीटिंग की थी और उसमें हम रोड इंजीनियरिंग और सुगम यातायात बनाए रखने हेतु कैसे हम रोड की इंजीनियरिंग करें और कैसे जान माल की रक्षा रोक सके, इस हेतु हमने अपनी चिंता की है और रोड इंजीनियरिंग हम सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही जो डंपर तेजी से चलते हैं या शराब पीकर वाहन चलाते हैं, इन सब बातों में हम चेकिंग पॉइंट लगा रहे हैं और हम मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई भी कर रहे हैं और हम वाहन मालिक और ट्रांसपोर्टरों के साथ भी बैठक किए हैं, जिससे दुर्घटनाओं से कम करने हेतु गाड़ी में ड्राइवर जो है वो नियमों का पालन करे, ड्राइवर क्लीनर हो और सही ढंग से डंपर चलाए। इन सब बातों जो है अवैध जो ओवरलोड वाहन है, चाहे बस हो या अन्य गाड़ी, उसकी भी चेकिंग लगाएंगी, लाइसेंस हेतु कैंप करेंगी और जिला खरीद अधिकारी जो हैं वो अवैध जो डंपर चल रहे हैं या जहाँ अवैध घाटों की शिकायत आती है उसमें हम विशेष संयुक्त टीम बनाकर चेकिंग करेंगे और कठोर वैधानिक कार्रवाई करेंगे। तो इसमें टाइम पीरियड दिया गया क्या आपके द्वारा, कितने दिन में सब व्यवस्था हो जाएगी? 7 से 10 दिनों का समय हमने दिया है कि जो डंपरों में जो आवश्यक कागजात होते हैं, लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, फिटनेस, बीमा, गाड़ी में आगे पीछे जहां पर मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार नंबर होने चाहिए वो उन स्थानों पर लिखे होने चाहिए। हम नंबर लिखने की भी व्यवस्था प्रिंटर लेके करेंगे ताकि ऐसी डिसिप्लिन तरीके से लोग चल सकें कि किसी को शिकायत करने का अवसर ना मिल सके और सही रोड इंजीनियरिंग हो, सही सुगम यातायात हो और अच्छी जान माल की रक्षा के साथ सुगम यातायात हम दे सकें, ये हमारा प्रयास है।